आ गया कुमार साहब। हाँ आ गया। खा मुँह तारे जाए काके तू मुँह भी नहीं आओ स्कूल में छाना मुन्ना न बैठो जाओ। तो रावण कुंभकर्ण ने जगह बा कैसे गयो छो तुम यहां तक बता रहे छो भाई जी ना कुंभकर्ण ऐसा सूतो छो। नो 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 राम राम कर रहे थे कंटर पहले से नीचे बैठ जाओ। आ गया कुमार साहब। हाँ आ गया। कोई भी हाँ काले कर दिया काट रुजे मार साहब मुडिया ने काट रुजो मारी आंचा ऐसी जे पटेल वरिया पटेलिए किताब में ध्यान दे किताब काटो सब। नो 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 ये तो मल्ला कोई नहीं नहीं मैं टांग दूँ बांग अच्छा जे भाई छाना मुन्ना रीजो कोई बोलेगा भी कोई ना ठीक है ना और फटदारो पूरा फिर करने चार खजे का मार साहब न पटाओ मार साहब इतनी मेहनत तो कर रहे थे थाकता ही मारा था फूल का मार साहब से पटाओ तो कोई ना सुता ही सुता रहो हट जाओ आज जैसे ना काय भी हो जाओ काई मु मंत्र बोल रहे मन में सबकी याद छ मन ये आज तक कोई भी मारता है डिस्टर्ब मत कर जियो न तो फल कर दूंगा दारे गान मारता भी बीम यो पाद रहे छे सुगलाओ बसुड़ाओ था गन्ने नो राव कर न्या खाटे जे सड़ी सड़ी पूरा कमरा ने सड़ा दे छे आपका जीना भी काय भी ठुसम पुसम करनो जब बार जार कर जियो न्या मत कर जियो मारे सामने कॉल कर दूंगा तो दारे का उठा ना आयो रे मां। हां और कोई बोल दे मत किताब फटो सब किताब फट रामपाले तो भी किताब फट रहे। मार साहब काय हो गयो मुंह तारे हो जे मुंह तारे जे काके तू मुंह भी नहीं आओ स्कूल में छाना मुन्ना न बैठो जाओ जा बढ़ जाए गाड़ी अरे फटो चुपचाप उतार दी यहाँ कोई मत बोल जो चाने मुने बटे जो मार साहब अरे आप काय हो क्यों तस लाग रही जे गन्न पीना हो तू तसी लाग रही जे जब बेगो जा मारता भी लोटो बरल ना जी हाँ ठीक जे जगदर जुमान ले आ जी तासु कदीर छाना मुना चुपचाप किताब फटता रो आवाज ना नहीं चाहिए कोई की भी होगा शांति से फिर खाते का मार साहब ने फटा हुआ इतना मनसू तो फटा रहे थे मार साहब चुपचाप सो जाओ अरे चुपचाप फट लो चुपचाप या मत समझो कि मारी आंखें बंद हो रही छे मु आंख खोल और देख रही था सबने देखा था कितना फटे छे फटो चुपचाप फाणी जे कान मार खींचे के ना उठे पड़ जा मारो फाड़ पड़ कर आयो तो अपन फाणी पूरो फाणी हो गिमू एकदम छु छो देना ना खा सको तो भाई फाणी फुआ रुचू पड़ा है तासु दो खोटी की हो कोई ना फट अब चुपचाप। अरे मंगलया तू भी फट फिर गन्ना जार खच है कहते मार साहब फटाओ कोई ना अपनी मेहनत तो कर रहे थे ताकते मार साहब चुपचाप फाड़ी याद करो अब जैसे ने बीच में कोई बोल के जो ना चामड़ा तोड़ दूंगा उनको याद करो फटाफट फिर सुनो मुता सुकाल पर सुताई कोई बोल दे मत तो चला चला देखा बचाने शिकायत करी थी कि भाई मार साहब तो सुताई सुता रहे थे कि फटाई ना करे चार तो देखा आपने तो देखनी लो आओ देखो अरे रुको छाना रिजो मैं देख बात एक तो झूठी बोल रहा हो हाँ यार सो तो रहा जे
आ जाओ अब आ जाओ सारा आगे सारा है। मार साहब हाथ राम राम करो राम राम करो खड़ा और बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ राम राम बैठो बैठो। हाँ अच्छा अच्छा ताकि शिकायत आ रही है मारी शिकायत। हाँ काई शिकायत आई मारी कदन पर सूता रह जाए मार साहब तो काई फटाओ चाहे कौन है सुतो मु सुतो हूँ मु मैं कुछ सुतिया चिता तू सुतो छू अब आर माने देखे ना आरे के बता छोर जे मु ये आगता ऐसे बता रहे जो कपाय जी ने रावण संकट में पड़ गयो ना तो रावण कुंभकर्ण ने जगह बाग कैसे गयो छो तो मु ये आगता बता रहे जो भाई जी ने कुंभकर्ण ऐसा सुतो छो न्यू कर न्यू कर खो सही से खो। अरे मार साहब यही तब फटाता ना ते दस तक भी गिनती ना हो अनार वाला भी ना हो यहाँ का ताई। अरे ये काई फटेगा था फटिया होगा तो ये फटेगा पियाता जी चुना सिका सिकार मु भूल वाला आ गयो। अरे मा फटिया लिखिया था तो मैं फटा लेता ना ताक पास खाई में फट बार रखता तो यहाँ का भेजा मैं तो गू भर छे ये खास फटेगा छोरा सु पूछ सके तो मैं कतनो बढ़िया फटाओ छू खरे छोरा हूँ बड़ी ताओ अगर कोई ना काई काई खी ना फूल कर दू ये याद राजो झांझिया पूछे छोरा सु पूछो कमो कतनो फटाओ तो पूछो वाने सब खदी अब मारी बात सुनो काई खदी मां का दिमाग में गो गोबर भरो जो जब तो यहां ज्ञान पर बखान थाक पास रखे जे ये फटेगा ताक मर्जी पड़े जा फटा लियो ये फट न सका मु अपनो तैयार होर फटा रियो ना अपनी मेहनत करा रियो पूरा अशो जशो माय से खा भी न मलोगो था ना ई स्थिति में स्थिति में न तो और कसिया कुर्ता पजामा भी खोल रखिया जे कसिया यहाँ तो अच्छी तरह फटाओ जो न फटाओ रे ताका खर्राटा तगा सुनिया जे माना अब बड़े आराम से को सो रिया जे वो खर्राटा खूब करे ने कसिया खर्राटा भर अच्छा अच्छा बताई छ मन समझे ना अर्थात छाती पर चढ़ रहे तुम्हारी पर ताकि तो देख लियो मान कम से कम 5 मिनट खड़ा रह देखियो जो मान काई देखियो छ ता सो रिया जा ताकि तो करण जे छ ना 6 महीना सो उ छ अर्थात तो 5 मिनट ही देखियो चाल वो तो उस जमाना की बात है सतयुग की तो वो तो कलयुग जे तो कलयुग में कम से कम घंटों पर तो बताऊंगा ना यहां आता है कि भाई कैसे सोऊं चकुंभ करण है। अच्छा जब भी नींद खाडे तभी नींद खड़े भाई घंटों पर नींद ना खड़े मार जतनो मेहनत कोई भी न करे छ और जैसे ना पटलाया करवा की जरूरत को ना था थोड़ा छोरा ने फटाओ छु मु तभी पटलाया करे करे ना वीडियो से शिकायत करेंगे मामी। अरे ताके मर्जी पड़े जा शिकायत करियो नाम खटाल ले जाओ ता कोई को दादागिरी बताओ छु के मार आता है पकड़ के पैसा ले रहे हां पैसा पैसा तते रे के पैसा चल जाओ ना तो किसी थाना में रिपोर्ट करा जाओ शिकायत करेंगे या की करो ताकि बंद करो ना करो हाँ करेंगे चलो सस्पेंड कराओगे ताई सस्पेंड। अरे ताकि चोरों ने जतनो लगा दियो सस्पेंड कराओगे हाँ सस्पेंड देख दियो ता जाओ भागो नहीं आसु आ जाओ रे आ जाओ सारा का सारा शिकायत करेंगे। हाँ अगर क्या बताओ बलिता हूँ की का माय बाप आया चाहिए सही खरो जुमू फल खरूंगू था ना फल फटाओ कोई लगा था नहीं बताओ फटाओ तो सुना की का माय बाप आया चा नाम काट दूं न्यास स्कूल में सु या सुन लीजियो अपनी मेहनत करो तो थाक थाई था न फड्डा था मेरे याद न हो तो मार मर्जी चकर मारी छाती में मुंह दड़बार आ रही चुकी न्या था सु फड्डे न जाओ तो खेता में काम करो ने न्या क्यों आ रहे थे अब चुपचाप असी चा काई कोई काई न बोलोगो ये शिकायत करेगा शिकायत मर्जी पड़े जी आप करो शिकायत मारो काय भी नो रही आप तो सही रहेगा और चुपचाप कोई बोलोगो कोई ना चुपचाप हो जाओ सब और फटो नीचे जाकर फटो किताब ना माए बापा सुख है फटाओ कोई ना मार सब नहीं पटल नहीं आ रहे खुद तो कुड़े आग बकर अगर मारते शिकारे तो मारते ज्ञान की बात दे रहे नहीं सूता चे सर मुझे लगता है कि यही स्कूल है। हाँ यार यही थे मार साहब ब्यूटी साहब दिन भर सूता रह जे मार साहब आज मैं देखता हूँ इनकी पहले भी मेरे पास शिकायत आई थी यार बच्चा बच्चा ये पांच में पांच बार फेल हो गया आज मैं खुद देखता हूँ ये क्या पढ़ाते हैं। तो बच्चों ये हमारा मस्तिष्क है क्या है ये मस्तिष्क
और जब मस्तिष्क में ये गले के यहाँ से ये आहार नाल यहाँ हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं अपन, वो आहार नाल यो जाती है और ये आगे अपना पेट, इसमें कई प्रकार की ग्रंथियां हैं। क्या है? ये देखिए, ये अपना दायां हाथ अच्छी तरह दिख रहा है सबको। मैं कुर्ता खोल के इसीलिए बताता हूँ आपको स्पष्ट नजर आ जाए। ये दायां हाथ और इसको बोलते हैं बायां हाथ और इसको बोलते हैं मस्तिष्क। ये मैंने चश्मा क्यों लगाया है बताओ? नहीं मालूम ना, मैं बताऊंगा आपको। चश्मा इसलिए लगाया है कि जब नजर कमजोर हो जाती है, आज के जमाने में किताबों को यूं करके यूं नहीं पढ़ना चाहिए, उससे नजर कमजोर होती है। किताबों को इतनी दूर रख के पढ़ना चाहिए। मैं भी बहुत मेहनत करता था, उसके कारण मुझे चश्मा लग गया, अब मुझे स्पष्ट दिखता है। ये बात है तो आगे आपको सबको समझ में। हेलो सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपके खिलाफ हमारे पास शिकायत आई है। क्या शिकायत आ गई? गांव वालों ने हमसे बोला कि आप पढ़ाते नहीं सोते हो, पर यहाँ पर तो मैंने और कुछ देखा, आप इनकी झूठी शिकायत करते हो। झूठी हमने देखे तो बोला। ये व्यक्ति आपकी शिकायत लेके हमारे वीडियो साहब के पास आए थे। हाँ। कि जो प्रधान जो यहाँ के अध्यापक है वो पढ़ाते नहीं है, सोते रहते हैं। तो शिकायत में हमने हमारे वीडियो साहब कुछ बोल रहे थे, वो उनका कहना ही है कि हमने आके यहाँ पर देखा तो आप हमें बच्चों को पढ़ाते हुए मिले। हाँ बिल्कुल पढ़ाता हूँ साहब, मैं बिल्कुल तो पढ़ाता हूँ। बोल रहे हैं अब ये तो इन बच्चों से पूछ लो मैं कितने अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। सर जैसे ये पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से, वैसे तो हमारे भारत में कोई साहब अध्यापक नहीं पढ़ाता। साहब वो तो अबारिये तंग दाय देकर करबला गया, बना देते ना पांच में पांच बार फेल हो गया। ऐसे अध्यापक अगर हमें मिलते ना तो हम जाने कहां पर होते भी। साहब तुम्हारे गांव की किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसे अध्यापक मिले तुम्हें। साहब ये बच्चों को है ना स्कूल नहीं भेजते, खेतों में ले जाते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे नहीं पढ़े। मैं बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, देखो पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं। साहब मुझे लग रहा है कि लजब पक्का। सर देखो तो ये अभी पढ़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। ये वो गरबा के लिए फटा रह जाइए। तुम्हें ऐसा अध्यापक तुम्हारे बच्चों के लिए कभी नहीं मिल सकता। शाबाश। ताली बजाओ। सर के लिए पानी पिलाओ। मुझे क्या लगता है सर ये गांव वाले साजिश कर रहे हैं अध्यापक के खिलाफ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर अध्यापक जी। हाँ। मैंने आपके जैसा अध्यापक अभी तक नहीं देखा। सर मैं आपका प्रमोशन करता हूँ आज, अध्यापक से आपको प्रिंसिपल बनाता हूँ। प्रिंसिपल। ताली बजाओ। अरे आप लोग क्यों बोल रहे हो यार? सर आप झूठ नहीं बोल रहे? अरे आप लोग तो सौभाग्यशाली हो जो इतने अच्छे आपको अध्यापक मिले। हाँ बताइए। और आप लोग ये कमबख्त लोग सर आपके खिलाफ हमारे पास शिकायत लेके आए थे। ये हाँ कि ये सोते नहीं है, पर ये हमने इनके बच्चों को नहीं पढ़ाते। मैं जबरदस्ती इनके बच्चों को इनके घर से लाके यहाँ बैठाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और है ना अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ। सर ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया है। मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा सोऊंगा, मतलब अच्छी तरह पढ़ाई कराऊंगा आपसे। और ज्यादा सोऊंगा आपको। गांव वालों सुन लो, तुम आज के बाद अध्यापक जी को परेशान मत करना। हाँ सो बाद और मैंने है ना तुम लोगों को मुफ्त शिक्षक और मुफ्त शिक्षक और मुफ्त शिक्षा चला रखी है। आपके पैसे नहीं लग रहे इसलिए आप चाहते हो कि इस जो स्कूल है यहाँ पर ढांडा डोर बांधे। ढांडा डोर हम नहीं बनने देंगे। अब तुम्हारे बच्चे पढ़ते ही ना इसमें बिल में मिल रही जी का मेरी बात सुनिए भाई साहब अध्यापक आप हमारे पास शिकायत लेके आए। सर सही है ना शिकायत लेके हमने पूरी रिपोर्ट वगैरह सारी जांच करी। आपने कहा कि वो गांव वाले स्कूलों में पढ़ाते नहीं है। सही है सर यही बोल रहा हूँ लिख रहा है उसमें। हम आपने कहा कि सर आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ चल के देखिए, वहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हैं, वो सो रहे हैं। हम आए,
आपके सामने 5-10 मिनट हमारे साथ खड़े रहे। क्या दिखा हमको? ये पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे, पूरी नलचा इन्होंने गिना दी अपने शरीर के, हाथ कर करके पूरा प्रैक्टिकल कर करके पढ़ा रहे। अरे तो ये तो सौभाग्य है हमारे इंडिया का जो ऐसे अध्यापक हमें प्राप्त हुए। सर आप बोलिए कुछ। सर इनके पास साधन नहीं है फिर भी इनका शरीर का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे। ऐसा है, अब सुनो मेरी बात। मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ। क्या बन, प्रिंसिपल बन गया साहब? मैं इनसे बात करना चाहता हूँ साहब। डाका चोरा चोरी मार पास ही पड़ सुबह नाम का आर्डर बगा दूंगा ना तो टूटी रोटा पर रहेगा। चुपचाप रहो। सर ये इनके भी साइन करो। प्रिंसिपल बन गया मैं। तालियां बच्चों, आज से आपके गांव के नए प्रिंसिपल हैं अध्यापक जी। एक बार जोरदार तालियां अध्यापक जी। सरकार, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपकी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। पास हो जाओगा ना? हाँ, मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, सब पास हो जाएंगे। बस यही चाहूंगा। मत पटा लाओ, ज्यादा नाटक मत कर, जो ना तो गंडे जैसे ना कुलिया का गाई। ताली बजाओ। ठीक है मार साहब, धन्यवाद साहब। सब चाय कॉफी? नहीं नहीं बोलते हैं। फाड़ी फाड़ी चलिए सर, हमको और दूसरे स्कूल में भी चलना है। अच्छा ठीक साहब, ठीक। गलत चीजें बताते हो तुम अध्यापक के बारे में। चलो बाहर निकलो यहां से, पढ़ा रहे हो अध्यापक को। चल अब असिया छे फल्या तो मु कायचो मास्टर, कायचो मास्टर, अब मु बन गयो प्रिंसिपल। पूरा स्कूल को प्रिंसिपल छु मु। अब मु जमा चीन जैसे ना पास कर सकू छू और जमा जी ने फल कर सकू छू। अब ताका गांव का की भी नचा लगी चवन नी, कितनी मेहनत करी जी मैंने ताकता है फटा मामा। अब मु प्रिंसिपल बन गयो। अब असी जा था ना पास होनो जा के फल होनो जा पास होनो जा ना। तो अब सुन लियो मारता है रोजीना, अपना घर सु स्वादिष्ट भोजन ले रहा होगा। रोजीना दन बांध लियो, आज तू लाओगो तो खा लियो, लाओगो परसुयो लाओगो नरसुयो लाओगो, लाओगा ना? पास मु कराऊंगो था ना। जो सबसे बढ़िया खानो लाओगो मारता ही उगता ही उतना ही बढ़िया नंबर आओगा। मार साहब काल मार के सिरो बनाऊंगा, मु ले आऊंगा के खान। परसु को ले दिन मैं पकोड़े बनाई इस पर खान ले आऊं। तीसरे दिन बार दादा दूसरा आज मु ले आऊं। मार साहब मु बेटी का परांठा ले रहा हूं। मार साहब मु आलू का परांठा ले रहा हूं। मार साहब मु मुड़ा का परांठा ले रहा हूं। ठीक छे पढ़ो फटवा लाग जाओ। अब मुझे छे ना सेन मुद्रा में जाऊंगू और थाकते आराम से देखूंगू मु। सेन सेन मुद्रा की सुख छे, आदमू आते दिखाऊंगू। कोई बीच में बोल जो मतो, ठीक छे? कोई मत बोल जो। मार साहब। हाँ सारी क्लास चल गई। बेटा का थोड़ी सी देर का ये सोता ये सब भाग्य। तो फिर मंत्री जी आप क्यों रुक रहे थे? आप भी फदारो जाओ। अरे गया पतो ही न चालू। लरे थोड़ी देर और सो ले आप पढ़ दो। पकवान लाए चुका तू? हाँ यार, वाह यार, वाह काई पकवान चे यार। सारी मम्मी ने बनाया होगा ये? पापा लगाऊंगी चे। पापा लगाऊंगी चे तो? हाँ। ये बात तो स्वाद तो खूब बन रहा चे यार। फिर सारी बन ने बनाया होगा तो? वाह बना बाकी कोई नहीं। हाँ? बना बाकी कोई नहीं? हाँ। तो